सबसे पहले तो इतने थोड़े से समय में शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आज इस कवरेज के लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है, जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में करप्शन को लेकर पूर्व प्रधान मनजीत सिंह जी के उर्फ जीसी, जिसे मैं बड़े प्यार से गोलक चोर भी कहता हूँ, उसकी करप्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़े ही उसके साथ सहयोग करते हुए, अक्यूज पर्सन के साथ कोर्ट को गुमराह करते हुए, सच्चाइयों को और फैक्ट्स को दरकिनार करते हुए, जो क्लोजर रिपोर्ट सरदार मनजीत सिंह जी के पूर्व प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को क्लीन चिट देने के लिए बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में जो कोर्ट में दाखिल की थी, मुझे नहीं मालूम इतनी हड़बड़ी में बिना इन्वेस्टिगेशन किए, सब सबूतों का हाथ में होने के बावजूद पुलिस के पास, पुलिस ने 974 पेज की एक बहुत लंबी चौड़ी क्लोजर रिपोर्ट जो कोर्ट में फाइल की, बहुत ही जद्दोजहद के बाद मैं समझता हूँ, और माननीय कोर्ट की मैं जितनी भी इस विषय में तारीफ करूँ कि इतनी बड़ी रिपोर्ट को उन्होंने इतना ज़्यादा समय देकर एक एक फैक्ट को समझा, और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद जो हमारी दलीलों को, हमारे आर्गूमेंट को सुना, और जो हमारे पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को उन्होंने नोट करने के बाद, जब आईओ से वापस उस विषय में उन्होंने जानकारी मांगी और हर सवाल का जवाब मांगा, तो जितनी भी वो टेक्निकल बातें हैं, वो मेरे साथ मेरे एडवोकेट राजेंद्र छाबड़ा जी, जो इस केस को कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, गुरु की गोलक को सेव करने के लिए, संगत के पैसे को सेव करने के लिए, गुरु घर की मर्यादाओं को बचाने के लिए, वो आपको उसकी जो कानूनी बारीकियां हैं बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब ये गुरु की अपार बख्शी से ये क्लोजर रिपोर्ट डिसमिस हुई, उसे डिसमिस होने के कारण कई तरह के दबाव हमें दिए गए, कई तरह के लालच दिए गए, धमकियां दी गई, झूठे केस डालकर डराने और धमकाने की कोशिश की गई। एक बड़ी ही हैरानगी की बात है कि चार साल में जनरल सेक्रेटरी रहा 2009 से 2013, और 2013 से 2019 जनवरी तक एक ही इंसान दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान रहता हो, और वो अपने प्रधानगी काल में मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप ना साबित कर सका हो, और जैसे ही मैं उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराता हूँ, कोर्ट से एफआईआर के ऑर्डर करवाता हूँ और उसकी सारे भ्रष्टाचार को उजागर करता हूँ, तो हमेशा की तरह एक बार फिर एक सब्जी का जिन मेरे कार्यकाल का कोई निकाल लिया जाता है। कितनी हैरानगी की बात है कि चार साल में जनरल सेक्रेटरी रहा, इसका मतलब पहली बात तो ये कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान ने इस बात को मान लिया कि और किसी तरह की, किसी भी प्रकार की मेरे कार्यकाल में उसकी नज़र से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि जब भी वो उठाता है एक सब्जी के जिन को अपने चेले चपाटों के माध्यम से ले आता है। आज जब पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट डिसमिस होती है, तो फिर वो मीडिया पे, सोशल पे उस सब्जी के जिन को दोबारा जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब समय आएगा, हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं, किसी डर में सच्चे राह से डिगने वाले नहीं हैं। जिस तरह के भी कोई भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, हम डंके की चोट पर सच्चाई का दामन साथ थाम कर उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि जब इतने दिनों में ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई, और मेरी तरफ से कोई मीडिया में कोई वीडियो नहीं डाली गई, कोई बाइट्स नहीं दी गई, कोई अखबार में, न्यूज़पेपर में हेडलाइन नहीं बनाई गई, तो लोगों ने कई तरह की अफवाहें उठाई होंगी, कईयों ने सोचा कि शायद किसी तरह की कोई मिली भगत हो गई होगी, किसी तरह का गुरमीत सिंह शंटी जी दबाव में आ गए होंगे, या उनके ऊपर उल्टा कोई केस करके उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बना दिया गया होगा कि वो घबरा कर पीछे हो गए होंगे। लेकिन मेरी वर्किंग उस अकाल पुरख की मेहर सदका संतों के आशीर्वाद से मैं अपनी वर्किंग में जूझता रहा, और चूंकि कोर्ट के द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया पे जब तक किसी तरह का कोई डिसीजन ना आ जाए, आप कम से कम उसका उपयोग करो, तो मैंने उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखा, तब तक कि जब तक सच्चाई संगत के सामने ना आ जाए।
आज मैं आपके सामने हूं क्योंकि ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। पुलिस ने जो मिली भगत के द्वारा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी मंजीत सिंह जी को पाक साफ करने की, मंजीत सिंह जी के ने तुरंत क्लोजर रिपोर्ट के दाखिल होते ही, क्योंकि हम तो शुरू से कह रहे थे कि पुलिस हैंड इन ग्लव्स है एक्यूज पर्सन के साथ, क्लोजर रिपोर्ट के दाखिल होते ही तुरंत मंजीत सिंह जी के का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को क्लीन चिट देना, उसके बाद पूरे दिल्ली शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगवा देने कि जैसे मुझे बिल्कुल संगत ने और कोर्ट ने माफ कर दिया है। लेकिन वो एक अंधेरा बादल था जो दो मिनट के लिए मैं समझता हूँ कि इस आसमान में छाया था, जो झूठ का आसमान था, लेकिन तुरंत ही सच्चाई का सूरज फिर दोबारा उजागर हुआ और आज आप सबके सामने वो क्लोजर रिपोर्ट को डिसमिस करवाकर मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ आप लोगों का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पिछले दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के 50 साल के इतिहास में क्या आपने देखा कि कभी किसी प्रधान को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के पद से इस तरह हटाया गया हो, इस तरह पार्टी ने प्रेशर डाल के उसका इस्तीफा लिया हो और उसे दिल्ली की जो पूरी इकाई की प्रधानगी थी उसके पद से भी उसे इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा हो, और उसकी प्लेट जो उसके कमरे के बाहर लगी होती थी किस तरह संगत ने वहां पर जाकर तोड़कर मरोड़कर फेंक दी और उसे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपना पद छोड़े। क्या आपने देखा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान पिछले 50 साल के इतिहास में कभी उसे थाने के चक्कर लगाने पड़े हो और इस तरह से करप्शन के मामलों का सामना करना पड़ा हो? मैं आज संगत के माध्यम से श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान को भी अपील करता हूं कि वो आज तक इस मामले में क्यों चुप बैठे हैं। अगर चुप नहीं बैठे तो उन्होंने खाली दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से सिर्फ एक सवाल कर लेना कि इस विषय में क्या चल रहा है, और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व प्रधान या उनके चेले चपाटों द्वारा यह जवाब दिया जाना कि केस कोर्ट में है, चुप करके बैठ जाना, अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेना, मैं समझता हूं कि एक तरह का बहुत बड़ा यह भी अपराध बोध है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि कोर्ट केस तो डेरा सच्चा सौदा के ऊपर भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बुलाया भी गया, उनसे सवाल जवाब भी किए गए, फिर क्लीन चिट दी गई या वापिस ली गई। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं जाना सिर्फ इस बात में चाहता हूं कि जिस पोस्ट पर जिस पद पर संगत बैठाए गुरु बैठाए उस पद का मान रखते हुए हर बात की जिम्मेवारी बनती है कि हम अगर हमारे अदारों में या इतनी बड़ी संस्था दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसे किस ढंग से रोकने में या उसकी रोकथाम के लिए किस तरह के उपाय किए जाएं, या उसको आगे इस तरह के कार्य दोबारा ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको किस तरह से रोका जाए। आज हालात ये हैं कि गुरु की गोलक का दर्द जो उनके चेले चपाटों को तो हो ना रहा हो, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को हो ना रहा हो, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जितने भी मैं और भी हेड प्रीस्ट या जो लोग बैठे हैं इन सीटों पर उनको हो ना हो, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय जज साहब को उसका दर्द जरूर हुआ, जिसका बयान उन्होंने अपने ऑर्डर में भी किया कि अगर इस तरह के कार्य गुरु की गोलक के साथ गुरु घरों में होंगे तो समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा, समाज में हालात किस तरह के बनेंगे, लोगों का जो विश्वास है जो आस्था है धार्मिक स्थलों के प्रति उनका क्या होगा, उन मूल्यों का क्या होगा, उन जीवन मूल्यों का क्या होगा जिनके ऊपर आज हम पहरा देने के लिए बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और इन पदों को सुशोभित करकर उनको चलाने की जिम्मेवारी हम पर है। बहुत ही अफसोस की बात है कि किस तरह से लोग मंजीत सिंह जी के उर्फ गोलक चोर जैसे लोगों को इतने बड़े अपराध के बाद गुरु की गोलक को लूटने के बाद भी किस तरह मैं समझ सकता हूं कि वो स्टेज पर बुलाते हैं, गुरु घरों में बुलाने को उनको मौका देते हैं। आज तो हर गुरु घर के सिख का, आज तो हर गुरु घर के हेड प्रीस्ट का ये मैं समझता हूं कि फर्ज बनता है कि ऐसे गोलक चोर को तो गुरु घर में मत्था टेकने आए तो भी उसके ऊपर निगाह रखी जाए और उससे पूछा जाए कि यहां भाई तेरा मकसद आने का क्या है, उसे किसी तरह का कोई धार्मिक सामाजिक या राजनीतिक किसी तरह का लाभ ना लेने दिया जाए। आज मैं जिन लोगों ने उनका साथ दिया और जो आज भी सोशल मीडिया के रास्ते से उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद जिस तरह के 14 फैक्ट्स कोर्ट ने लोगों के सामने एक नए मैं समझता हूँ अध्याय के रूप में रखे हैं, उन सबको पढ़ने के बाद मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में ये केस बहुत ही गंभीर परिस्थिति में जाने वाला है और अक्यूज पर्सन को इनके जेल के रास्ते का भी साफ होने वाला है। लेकिन फिर भी जो उनके चेले चपाटे जिन्होंने इस गोलक चोरी में उनका साथ दिया,
उनमें खुद में किसी तरह की हिम्मत तो नहीं है, जब कभी बात उनके ऊपर आती है तो अपने परिवार के लोगों को आगे कर देते हैं और लेकिन पीछे चोरी छिपे छुपकर कई तरह के झूठे सच्चे वार करने की कोशिश करते हैं। मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि शायद वो इस गलतफहमी में हो कि यह क्लोजर रिपोर्ट डिसमिस होने के बाद वापस इन्वेस्टिगेशन उसी थाने में होगी या उसी थाने के SHO IO या उसी थाने के ऑफिसर्स उन लोगों की उसी प्रकार से मदद कर पाएंगे, उनके साथ हैंड इन ग्लव्स होकर फिर दोबारा इस केस को प्रभावित करने की कोशिश कर पाएंगे। तो मैं उन सबको आज चेतावनी देकर यह बताना चाहता हूं कि मैं गुरु की गोलक को बचाने के लिए गुरु की संतों के आशीर्वाद से गुरु की मेहर का सदका मुझे चाहे हाई कोर्ट में जाकर जितने भी रेलिवेंट सेक्शन इस भ्रष्टाचार के ऊपर, इस गोलक चोरी के ऊपर, इन फोर्स बिलों के ऊपर बनते होंगे और क्राइम से लेकर CBI तक अगर इसकी इंक्वायरी को ट्रांसफर कराने के लिए मुझे अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो मैं इस कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। और उनको चेतावनी देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस गोलक चोरी में उनका साथ दिया, झूठी सच्ची गवाहियां दी, चाहे वो बाबा हरनाम सिंह जी धुम्मा हो, चाहे वो स्टोर कीपर महिंदर कौर हो जिसने अपने आप को इसमें शामिल किया, चाहे रेशम सिंह हो, चाहे कोई भी ऐसे लोग, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग क्यों ना हो, मैं हर उस इंसान के खिलाफ हूं जिसने इस चोरी में गुरु की गोलक को लूटने में उनका सहयोग किया है। मैं आपको एक बार फिर बता कि इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद जो अगले फैक्ट्स हैं, जो कई तरह की और हमारी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो 3/6 को माननीय कोर्ट ने तय की है, लेकिन हमने अपने वकीलों से सलाह करके, अपने एडवोकेट राजेंद्र छाबड़ा जी से सलाह के इस बात को तय कर लिया है, क्योंकि कई बार कई कोर्ट्स की अपनी बाउंडेशंस होती हैं, अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, हर कोर्ट का अपना अपना एक दायरा होता है। अगर मुझे उस दायरे को उसके अंदर जाने के लिए, मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि चाहे मुझे हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, जिस जुर्म की जो सजा उनकी बनती है, अगर उन्होंने फोर्स बिल डाले तो किस तरह से उनके ऊपर 467, 468, 470, 471 लगनी चाहिए, और 409 तो उनके ACP साहब ने खुद माना कोर्ट में प्रेजेंट होकर इन पर्सन कि हाँ जी 409 तो बनती थी, तो फिर लगाई क्यों नहीं गई। 409 मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट, इसका मतलब ये कि पुलिस ने अपने कार्य को करने में किसी ना किसी प्रकार की कोताही भी बरती है और पुलिस ने पूरी तरह से अक्यूज पर्सन का साथ देकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि हम अक्यूज पर्सन के साथ मिले हुए हैं। जो फाइनली मैं आपको बताऊं, माननीय कोर्ट साहब ने इस केस की आगे से इंक्वायरी के लिए पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर्स किए हैं, जजमेंट की कॉपी उनको भेज दी है और ज्वाइंट कमिश्नर लेवल का जो अधिकारी है वो उसकी देखरेख करेगा और हर 15 दिन में उसको कोर्ट में उसकी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो फाइल करनी पड़ेगी। बट उसके साथ हमने सोच लिया है कि अगर हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जरूर जाएंगे। अब जो टेक्निकल पॉइंट हैं, जो कोर्ट ने जिस तरह के जो जो ऑर्डर्स किए हैं उसमें क्या क्या है, वो हमारे माननीय वकील साहब राजेंद्र छाबड़ा जी आपको बताएंगे। राजेंद्र छाबड़ा जी, आप में से कुछ लोग तो हमारे साथ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में थे ही, मैं आपको सिर्फ जो मेन 3 एलिगेशंस हैं एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी डेडली फॉर मनजीत सिंह जी के इन पेविंग अप हिज वे टू द तिहाड़ जेल, मैं आपको जैसा आपके दिस इज नॉट मी हु इज सेइंग सो, ये माननीय कोर्ट ने कहा है। इन्होंने हमारा पहला उन पे जो अपराध करने का हम लोगों ने बताया था, एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने 51 लाख रुपए जो उनसे हैं 5,773 रुपीज का एम्बेजलमेंट किया, चोरी किया गुरु की गोलक से। तो इन्होंने एक आफ्टर थॉट निकाल के कहा था कि ये पैसा हमने बाबा हरनाम सिंह धुम्मा जी को दिया है कैश। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही दी है पैरा 3.2 में कि आप कहते हैं कि आपने ये पैसा बाबा हरनाम सिंह धुम्मा जी को दिया, जबकि आपने जो 974 पेजेस की क्लोजर रिपोर्ट दी है उसमें आपने इनकम टैक्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट ऑफ DS GMC लगाई है, बोथ आर वेरी कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्स, और इसमें कैश रिजर्व रेशो में आपने बड़ा क्लियरली दिखा रखा है कि ये तो पैसा आपने कैश के रूप में बैंक में जमा कराया है। अगर आपने कैश के रूप में पैसा बैंक में जमा करा दिया तो बाबा धुम्मा जी को पैसा आपने कहाँ से दिया? दे कैन नॉट बी टू एंट्रीज। और मजे की बात है, जो बैंक की एंट्री है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है पैरा बी में, वो ये कहते हैं कि ये पैसा तो आपकी कैश बुक और टैली की अकाउंट्स बुक फर्दर दिखाती है कि ये पैसा आपने कैश के रूप में बैंक में जमा कराया, तो बाबा धुम्मा जी को कहाँ से आ गया? थर्डली कोर्ट ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई, कहते हैं कि आपके यहाँ पे सेक्शन 24 के हिसाब से
और सेक्शन 28 के हिसाब से पब्लिकेशन होता है शीशगंज मैगजीन के रूप में, जिसमें आपने सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाना होता है। तो उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने सारे डोनेशन खर्चे दिखाए हैं, लेकिन बाबा दुमा का नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त ये पैसा उनको नहीं दिया गया था, ये बाद में आपने एक डिफेंस बना के दिया। क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, व्हाई आई एम सेइंग सो, गिविंग ए डिटेल ऑफ इट, क्योंकि फ्रॉड प्रूव करने के लिए, एम्बेजलमेंट प्रूव करने के लिए, जो कि हमारे केस में भाई ये पब्लिक सर्वेंट 409 में है, इसमें आप फर्क समझिए। अगर आप और हम में से कोई आदमी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो उसको लेजिस्लेचर ने 3 साल की सजा मुकर्रर कर रखी है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो लोग अपने कर्तव्य में अमानत में ख्यानत करते हैं, तो उनको आजीवन कारावास दी जाती है। और फॉर हैविंग सच ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्न पनिशमेंट, द व्यू ऑफ द लेजिस्लेचर इज वेरी क्लियर। वो चाहते हैं कि ऐसे जिन लोगों के पास हम लोगों ने जिम्मेवारियाँ दी हैं, इन कामों में धोखा ना दें। गुरु घर की गोलक की रखवाली की जिम्मेवारी मंजीत सिंह जी के और गोलक चोर को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसमें CBT किया, तो उसमें 409 मतलब कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सज़ा है। और ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव हो रही हैं। उसके बाद एक बड़ी शर्मनाक बात हो रहा है कि ये लोग बाहर से जो पैसा आता है उसमें फॉरन रेगुलेशन करेंसी एक्ट है हमारे यहाँ, उसमें परमिशन लेनी होती है। इन लोगों ने $1,00,000 जो बैंक मैनेजर के साथ साठगांठ करके निकलवा लिए। और कोर्ट, माननीय कोर्ट ने इस पर भी आईओ साहब को, आईओ को कहा है कि जो भी अब आईओ होंगे, CBI होती है, क्राइम ब्रांच होती है, कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करके बताइए कि ये किस तरीके से और कैसे इन लोगों ने बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लिए ये पैसा आपने कर दिया। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वेशन और बताना चाहूँगा, जो हमारे पास बाकी भी शिकायतें आई हैं, कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द करप्शन एंड फ्रॉड कमिटेड बाई मंजीत सिंह जी के एंड हिज एसोसिएट्स। एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ऐसे कई फॉरेन करेंसी के डोनेशन इनके पास आए हैं जिनका टोटल अमाउंट इन करोड़ है। और वो सारे का सारा पैसा जो हमारे साथ हमारे आदरणीय सरदार गुरमीत सिंह शंटी जी बैठे हैं, जिनका अगला ये काम रहेगा कि उसको भी एक्सपोज किया जाए किसी भी तरीके से। जो पैसा चाहे वो बाहर से आए, वो गुरु घर के लिए, उसकी चोरी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला और कर रखा फॉरेन करेंसी से, जो कनाडा से और वेस्ट एंड अमेरिका से जो पैसा इनके पास आता है, वो सारा का सारा इन्होंने गुरुद्वारे में जमाना करा के अपनी बनाई गई नकली NGO में, जो मिलते जुलते नामों की, उनमें दे रखा है। इन सब पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की, जैसा इन्होंने बताया, चिंता व्यक्त की कि अगर समाज में इस तरीके से IO से लेकर DCP लेवल तक, देखिए हमें महत्व समझना चाहिए, व्हेन द कोर्ट सेज कि द कमिश्नर पुलिस विच इज़ द टॉप मोस्ट एजेंसी, टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली पुलिस विल मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर दिल्ली विल मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। ये कितने बड़ी इंपॉर्टेंस का महत्व का मैटर है कि पूरी कमिश्नर पुलिस जो होता है वो इसको खुद मॉनिटर करेगा, एंड ही विल डेप्यूट ए पर्सन नन लेस देन द रैंक ऑफ द ज्वाइंट CPO ऑफ पुलिस, वो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगा। एक बात और मान के चलिए कि जैसे ही ये होता है, तो आप समझ सकते हैं कि IO से लेकर DCP न्यू दिल्ली तक आउट ऑफ परव्यू हो जाते हैं, उनका कोई हक नहीं रहता। जब ये दोनों के दोनों चीज़ें आउट हो जाती हैं, तो वी कैन वेरी कन्वीनियंटली वी कैन से अभी कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को जा रही है। बट वी विल डिस्कस इट विथ आवर रेस्पेक्टेड सरदार गुरमीत सिंह शंटी जी, एंड इफ यू फाइंड स्टिल दिल्ली पुलिस इज डूइंग इट्स ड्यूटी फेयरली एंड प्रॉपरली, देन वी विल अलाउ द क्राइम ब्रांच टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, फॉलोइंग विच द काइंड ऑफ ऑर्डर वी हैव इन अवर हैंड, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें CBI से इंक्वायरी ट्रांसफर करवाने में, द लॉ इज वेरी सेटल्ड। अगर MM साहब की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो CBI को मार्कर देते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं खुद पर्सनली भी यही मेरी ओपिनियन है कि बजाय क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस से करवाने के, हम CBI से मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाएं, ताकि इनका जो रास्ता है तिहाड़ जेल जाने का, मंजीत सिंह GK, अमरजीत सिंह पप्पू और हरजीत सिंह का, वो जल्दी से जल्दी छोटा हो जाए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कुछ कर नहीं सकते। माननीय कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है कि ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, और इन्होंने इनके ऊपर सेक्शन 13, जिसके अंदर अगेन बहुत बड़ी सजा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि इन्होंने पब्लिक की डोनेशन, पब्लिक के पैसों से हेर फेर किया, करप्शन किया है,
और उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ने, वो दैट इज रिलेटेड टू 51 ब्लैक मनी एक्ट। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, जब हम तीन सेक्शन बोलते हैं सिटिंग इन ए सी रूम अटेंडिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इट सीम्स वेरी इजी, बट व्हेन यू गो टू द कोर्ट एंड द मोमेंट यू फाइंड कि इतने सख्त सेक्शन लगे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो इनका फैसला जो था कोर्ट का जो केस होगा वो कमिट होगा सेशन में, एमएम के पास नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब सेशन में कमिट होता है तो उसके बाद आपको कोई भी जो रिलीफ मिलना होता है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सेशन में नहीं आना पड़ता। तो इनकी दुश्वारियाँ आगे बढ़ती ही जानी है, जिस तरीके से इनके लिए आज कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, और कोई भी एजेंसी अगर आंखें बंद करके भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज इनके खिलाफ ये बच नहीं सकते। और एक बात, और कोर्ट ने बार बार अपनी चिंता व्यक्त यही की है कि समाज में अगर इस तरीके से पुलिस के हर लेवल पे अगर मिलीभगत होगी तो इस समाज में कानून व्यवस्था के ऊपर से लोगों का भरोसा हट जाएगा। इसमें मैं फाइनली एक चीज़ जो सबसे लास्ट में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लिए जो मौजूदा प्रधान जनरल सेक्रेटरी ऑफिस बेयरर या पूरा कमेटी मेंबर्स हैं उनसे दो चीज़ें करने जा रहा हूँ, एक उनसे डिमांड और एक उनसे अपील। अपील मैं इस बात की उनसे करने जा रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने गुरु की गोलक को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने गुरु की गोलक का गहन किया, जिन्होंने गुरु की गोलक को इस तरह से उसका दुर्वर्तो की, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसे किसी भी दोषी की वो किसी भी प्रकार से कोई भी मदद ना करें और सच्चाई संगत के सामने लाने में हमारा सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें या जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉइंट होगी उसका सहयोग करें और गुरु घर के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी बनती है उसको पूरा करें। और एक मैं उनसे डिमांड करता हूँ, ये तो हुई मेरी अपील। डिमांड मैं उनसे एक और जो नहीं करने जा रहा हूँ, ये फैक्ट्स मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा कि जब मैं 2009 से 2013 में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में जनरल सेक्रेटरी था, एज ए मेंबर तो पिछले 13 साल हो गए मुझे, लेकिन 2009 से 2013 के कार्यकाल के समय में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को करोल बाग की एक प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं से मंजीत जीके की टच में, उसकी दूर की रिश्तेदारी में कहीं की निकलती थी, एक लेडीज ने उसके परिवार ने गुरुद्वारा कमेटी को वो प्रॉपर्टी दान की थी। ये मैं डिमांड कर रहा हूं गुरुद्वारा कमेटी को आपके माध्यम से, और उनको बता भी रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी हमारे कार्यकाल में गुरुद्वारा कमेटी को दान दी गई उस परिवार द्वारा, लेकिन इनके कार्यकाल के समय, आप लोगों के कार्यकाल के समय मौजूदा जो उप प्रधान, जो पूर्व प्रधान रहा मंजीत सिंह जी के, उसके कार्यकाल के समय जिसके परिवार ने वो प्रॉपर्टी दान दी थी उसकी बाला साहेब हॉस्पिटल में मौत हो गई, जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का ही हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में मरने के बाद उसके अंगूठे प्रॉपर्टी के नकली कागज बनवाकर जो उसने गुरुद्वारा कमेटी को दान की थी, अपने लोगों के नाम, अपने नाम वो कागज करवा लिए, और उसके बाद गुरुद्वारा कमेटी से उस प्रॉपर्टी के कागज मिसप्लेस कर दिए, चोरी करवा दिए या उसका मिसयूज करने के लिए उसको वहां से गायब करवा दिया, और हालात इस तरह के बना दिए गए कि यह शो किया गया कि इस प्रॉपर्टी का हमारे पास कोई कागज नहीं है, वहां से अपना कब्जा सब कुछ हटा दिया गया और उस प्रॉपर्टी को वापस एक दूसरे ढंग से अपने ही किसी रिश्तेदारों को, अपने लोगों में उसको उसके वापस दे दी गई। तो वो प्रॉपर्टी, उसके विषय में सारी जानकारी काफी हद तक मेरे पास भी है, लेकिन मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से भी अपील करता हूं कि उन्हीं के दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की हॉस्पिटल गुरुद्वारा बाला साहिब में मरने के बाद जिस औरत से अंगूठे लगवाकर प्रॉपर्टी का गोलमाल करके अपने नाम करवाई गई है, लाखों करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी, जल्दी मैं इसका खुलासा भी आप सब लोगों के सामने करूंगा। यह आज मेरी डिमांड है आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को अपील और डिमांड दोनों करता हूं कि उस कार्य में भी
मेरा सहयोग किया जाए, मुझे उसके विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उस प्रॉपर्टी का आज का क्या स्टेटस है वो मुझे बताया जाए, ताकि जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें भी गुरु घर की गोलों को सेव करने का, गुरु घर की प्रॉपर्टी को सेव करने का, गुरु गोल घर की जितनी एसेट्स हैं उनको सेव करने का जो कार्य हमने मन में सोचा हुआ है उसे पूरा करने में कहीं ना कहीं गुरुद्वारा कमेटी का भी कुछ योगदान पड़े, ताकि वो गुरु के सामने, गुरु महाराज के सामने, संगत के सामने अपना मुंह को सुरखुर कर सकें। अब आप लोगों ने किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर करना हो तो वेलकम। मैं सिर्फ आज अपील और डिमांड की है, नेक्स्ट में जल्दी ही प्रॉपर्टी का नंबर और प्लस किन्ने करोड़ की प्रॉपर्टी है और आज मौजूदा डेट के विच केड़े फर्जी बंदे दे नाम प्रॉपर्टी है और केड़े केड़े वड्डे लोग उस दे विच इन्वॉल्व हन और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का हो सकता है कोई कदा मैंबर भी उसके इन्वॉल्व हो, सारे खुलासे जल्द करांगा। लेकिन एक मौका दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नूं आज दे रहा अपील और डिमांड के नाल, आज जिस मैटर से अगर उसके बारे ज़्यादा सवाल ले लोगे तो मेरा हाथ जोड़ के बिनती है, मैं जल्द ही खुलासा करांगा। मनजीत सिंह जी के यदि सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट है, वो कहन पर ही उस अंगूठा लगा के नकली कागज तैयार करा के और गुरुद्वारा कमेटी के बाला साहब हॉस्पिटल के बीच ही अगर वो मना करेंगे तो फिर हर गल का खुलासा सामने लेवांगा कि कदों मौत हुई, कदों अंगूठे लवाए गए, कदों की होया। जी जी जी, देखो मैनू अगर कोई भी जिस तरह नाल गुरु महाराज ने मैंने हिम्मत बख्शी है कोर्ट के विच जाके फाइट करन दी और सच की लड़ाई से पहरा देन दी, मैं खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेवारी नूं पूरन नहीं समझदा। अगर मैनू कोई भी दोष, चाहे वह सिरसा के खिलाफ है तो चाहे जीके के खिलाफ है या एक्स वाई जेड किसी के खिलाफ ही है, जिस तरह के पुख्ता सबूतों लैके मैं कोर्ट विच गया, अज उस रिजल्ट तक पहुंचा कि दोषी नूं दोषी करार कोर्ट तो करवाया, संगत की कचहरी के विच उन्हें लिया के खड़ा किया है, अगर उस तरह के पुख्ता सबूत अगर वो आप फाइट नहीं कर सकते तो मैनू देन। अगर वाकई सच होएगा और मैं लगेगा पहली नज़र कि ये वाकई गुरु घर की गोलमाल होया है, क्योंकि एज ए जनरल सैकटरी चार साल में उस सीट पर हैंडल करके उस सीट पर बैठ के आया, सेवा निभा के आया, पहली नज़र ही अगर मैं लग गया कि वाकई उन्होंने आ गया दम है तो जड़ा काम वो नहीं कर सकते, मैं जितने कहोगे उसे जाके करने तैयार हूँ। जी देखो हूँ तो हर फिलहाल तो थोड़ी गल का जवाब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी या कांग्रेस की गल ही नहीं है, हूँ तो इलेक्शन हो चुके, 23 नूं रिजल्ट आएगा, देखते हैं नैक्सट सेंट्रल गवर्नमेंट केड़ी आँदी और किस तरह की हैल्प करती है। अगर किसी भी गवर्नमेंट ने सरकार दरबारे ने हैल्प करने की कोशिश की, असं पहला भी लड़ाई लड़ी है, अगे भी लड़ा, सच परेशान हो सकता, छुप दे नहीं सकता, हार भी नहीं सकता तो ना हारेंगे। जी है जी, ये कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, मैं पिछले 6 महीने से कोर्ट में लड़ रहा हूँ केस, सारे पेपर फाइल कर दिए हमने, सारे पेपर फाइल है, उसी के ऊपर केस चल रहा है, वो अक्यूज है इस टाइम इस केस में। अब तो ये डिपेंड ऑन कोर्ट्स और डिपेंड ऑन हमारा कानून क्या कहता है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन होवे? जी 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 जो चोर पकड़िया जाएगा तो जो रिमांड होएगा तो सारी गलों का जवाब चोर ही देगा, ज्यादा बेहतर है कि कौन कौन शामिल है, मैं कि दस एक पॉइंट हो दसा। अच्छा हाँ जी, मैं एक पॉइंट और दसना चाहवागा, कोर्ट ने पहला चार्ज बड़ा स्पैशल लिखा है जो ये साढ़े पत्रकार भाई साहब बैठे अमन जी एन एल कोर्ट ने पूछा भी सी, कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर शीट हैगी सी तुम दिती गई है सिख विरासत की बुक छापन वास्ते, तो तुम सानू जो बिल दे रहे हैं साड़ी विरासत दे रहे हो, भाई इतना भयंकर किस्म का अपराध जो उनका ब्लाटेंट इन्होंने झूठ बोला है, कोर्ट ने इसको पैरा 4 में बड़ा स्पेशली रूप से ऑब्जर्व करके लिखा गया है और ये ऐसे अनरिबेटेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, व्हाई आई एम सेइंग सो,
दिस जेंटलमैन हैज आस्क्ड वन वेरी कोजेंट क्वेश्चन क्यों बाहर क्यों है अगर एफआईआर हो चुकी है शायद उनको पता नहीं था एफआईआर हो चुकी है एफआईआर हो चुकी है धाराएं सारी की सारी नॉन अवेलेबल हैं कॉग्निजेबल हैं तो बाहर क्यों है आम आदमी तो उठा कर पुलिस बंद कर देती है तो इसमें एक चीज जैसे इन्होंने पूछी प्रधान जी ने जवाब दिया कि अगली गवर्नमेंट का लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के होते हुए भी सीबीआई ने बहुत सारे केसेस कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी किए थे तो जुडिशरी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज भी उनमें अलग है गवर्नमेंट से अलग होती हैं ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं तो जितना मर्जी कोई कितना मर्जी मदद करने की कोशिश कर ले लेकिन जस्टिस विल प्रिवेल दिस इज व्हाट वी बिलीव इन देखिए दिल्ली पुलिस के कुछ सेक्शन के दिल्ली पुलिस इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ 82,000 पर्सन दो चार दस लोगों के इन्वॉल्व होने से पूरी दिल्ली पुलिस करप्ट नहीं हो जाती वी हैव सीन दिल्ली पुलिस सॉल्विंग द वेरी टफ केसेस संजय फोटो अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना दें ठीक है जी और कोई क्वेश्चन चल संजय जजमेंट दी कप ए ना दो ना जजमेंट दी कप दिखाने अच्छा खड़े हो जजमेंट दी कप जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो